अगर आप भी Amazon Pay की हेल्प से अपने रेलवे टिकट को बुक करना चाहते हो तो आप बहुत ही आसानी में आप बुक कर सकते हो। इसके लिए आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने दो चीज़ों को अच्छे से रेडी रख लेना है। जिनका भी आपने टिकट बुक करना है तो उनकी डिटेल, जैसे कि आधार कार्ड, और उसके साथ ही आप जो भी जिससे भी IRCTC का जो भी आपकी यूज़र ID पासवर्ड है उसे आपने अच्छे से रेडी रख लेना है। तो चलिए अब आपने क्या करना है, Amazon Pay से रेलवे की टिकट को बुक करना है। इसके लिए आपने सबसे पहले Amazon Pay ओपन कर लेना है। जब आप Amazon Pay ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपकी स्क्रीन के सामने ओपन होके आ जाएगी, जैसा कि अभी आपकी स्क्रीन के सामने ओपन होके आ रहा है। अब आपने रेलवे का टिकट बुक करना है, इसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको Amazon Pay का, तो आपने सिंपली इसी पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपने कुछ ही सेकंड्स का वेट करना है। अब जैसे कुछ ही सेकंड्स का वेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद पेज को आपने और ऊपर कर लेना है थोड़ा सा। आप जैसे ही पेज को और ऊपर करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा आपको बुक टिकट्स का, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है ट्रेन्स का, तो आपने सिंपली ट्रेन का टिकट बुक करना है तो आप ट्रेन पे क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही ट्रेन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन के सामने इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपने सबसे पहले आपने किस स्टेशन से आपने कहाँ जाना है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मुझे जाना है आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंबई ऑल स्टेशन टू न्यू दिल्ली के लिए आना है। डेट ऑफ डिपार्चर मतलब आप कौन से दिन को आना चाहते हो, आपकी क्या डेट ऑफ जर्नी है, तो यहाँ पे आपने डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट कर लेनी। जैसे कि ये देखिए मैंने यहाँ पे अपना 7 जो भी था यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कर लेने के बाद डन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही डन पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको फाइंड ट्रेन्स का, तो सिंपली आपने फाइंड ट्रेन्स पे क्लिक कर जाना है। आप जैसे ही फाइंड ट्रेन्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने कुछ ही सेकंड्स का वेट करना है। कुछ इस तरीके से पूरा इंटरफेस आपकी स्क्रीन के सामने ओपन होके आ जाएगी कि आपकी जो ग्रीन कलर में आपको देखने को मिल रहा है मतलब उतनी सीट्स अवेलेबल है। आप यहाँ से आप बहुत ही आसानी में यहाँ ये सीटें अवेलेबल हैं, इनको आप बुक कर सकते हो। तो चलिए अब यहाँ पे आपने सबसे पहले जिस भी स्टेशन से आपने आना या जाना है आपने उसी स्टेशन को सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा है NZM राजधानी स्पेशल। आप यहां पे देख सकते हैं 16 बजे मतलब शाम के 4 बजे की ट्रेन है। यहां पे आप देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से आपका निज़ामुद्दीन के लिए। तो सिंपली आपने यहां पे 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है जहां पे जो सीटें अवेलेबल हैं आपने जिस पे भी जाना है उसे आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मुझे 3rd AC पे जाना है तो यहां पे मैंने 3rd AC सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही 3rd AC सेलेक्ट किया तो यहां पे आप देख सकते हैं आपका ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि आपने जो ऑल स्टेशन सेलेक्ट किया हुआ है ये आपकी जो ट्रेन है वो आपका CSMT मतलब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से लेके आपका निज़ामुद्दीन हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक आएगी। तो आपने अगर सही है तो आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो चलिए आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है अगर आपने बुक करना है। मुझे तो बुक करना है तो सिंपली मैंने प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि कितने सीटें अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अवेलेबल जो सीट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो आपने सिंपली यहाँ पे अवेलेबल सीट के बाद यहाँ पे सेलेक्ट रहे आपके डेट ऑफ जर्नी देखने को मिल रहा है तो आपने रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो सिंपली आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना। अब जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिल रहा है कि मतलब आप यहाँ पे अपने डिटेल्स फिल कर सकते हो, लाइक एज यहाँ पे आपको जो भी आपकी डिटेल हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो डिटेल है आपने यहाँ पे अपना डिटेल फिल कर देना है। अपना डिटेल फिल कर लेने के बाद यहाँ पे आपके साथ कौन कौन जा रहा है ये भी चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। जैसे कि ये देखिए एक ये हो गया और ये दूसरे जो पैसेंजर है वो उनका ये नाम, तो यहाँ पे मैंने उनका नाम यहाँ पे टाइप कर दिया है। यहाँ पे आपने सारी चीज़ें बिल्कुल केयरफुली टाइप कीजिएगा क्योंकि आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो आप बहुत केयरफुली टाइप कीजिएगा। तो यहाँ पे आपने देख लिया मैंने जो भी नाम था उनका, उसके बाद कंफर्म चेंज पे क्लिक कर दिया। जैसे कंफर्म चेंज पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लोगों का मैंने टिकट सेलेक्ट कर लिया है। इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं एड यहाँ पे अगर आपका आपके साथ कोई चाइल्ड है जो कि आपका 0 से 4 साल तक का मतलब 1 साल एक दिन से लेके आपका 4 साल तक का है तो आपने उनका भी डिटेल ऐड कर सकते हो अगर आप ऐड करना चाहो तो। सिंपली मेरे साथ एक बच्चा अभी रहेगा तो सिंपली मैंने उस पर ऐड पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है यहाँ पे उनका नाम आपने टाइप कर देना। तो जैसे कि ये देखिए उनका जो भी नाम है मैंने यहाँ पे टाइप कर देते हैं।
आपके साथ जो भी जाते हैं उनका आपने पूरा डिटेल यहाँ पे टाइप कर देना। उसके बाद यहाँ पे मेल फीमेल जो भी हैं आपने, उसके बाद यहाँ पे आपने एज जो भी हो उनका, जैसे कि 2 साल, तो सिंपली मैंने यहाँ पे 2 साल, उसके बाद एड ट्रेवलर पे क्लिक कर दिया। जैसे ही एड ट्रेवलर पे क्लिक किया तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 लोगों का मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे और भी डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आपका जो ईमेल आईडी है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। इसके साथ ही यहाँ पे आपने एड्रेस टाइप करना है, यहाँ पे आपने पिन कोड, जैसे कि आप जहाँ से जा रहे हैं वो आप सारी चीज़ें डिटेल फिल कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सारा चीज़ फिल कर दिया, आपने भी वही कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि आपने IRCTC का इंश्योरेंस लेना है। अगर आपने लेना है तो सिंपली आपने यस पे क्लिक करना है, टिक करना है। अगर नहीं लेना है तो आपने अनचेक कर देना। तो चलिए मुझे यहाँ पे लेना है तो सिंपली मैंने अनचेक कर दिया। उसके बाद बाय बुकिंग ऑल द डिटेल्स, तो आपने एक बार और प्रीव्यू वगैरह चेक करना चाहो तो यहाँ से आप सारा चीज़ें खुद से चेक कर लीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 लोगों का टिकट मैं यहाँ पे बुक कर रहा हूँ, जो कि आपकी पूरी डिटेल देखने को मिल रही है। उसके बाद प्रोसीड टू रिव्यू पे क्लिक कर देना है। आप जैसे प्रोसीड टू रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू हैव इंटर IRCTC पासवर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग। मतलब आपके पास अगर IRCTC का, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपके पास IRCTC का जो ID पासवर्ड है उसे आपने अच्छे से रेडी रख लेना है। तो आपको ऑलरेडी अगर याद है पासवर्ड तो आपने आई रिमेंबर माई पासवर्ड पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप पासवर्ड भूल चुके तो पहले आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। तो चलिए मुझे यहाँ पे आपका याद है पहले से ही, तो आई रिमेंबर माई पासवर्ड, तो सिंपली मैंने आई रिमेंबर माई पासवर्ड पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आई रिमेंबर माई पासवर्ड पे क्लिक किया अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी पूरी डिटेल देखने को मिल रही है कि मतलब आपका कौन सा दिन है, कितने ट्रेवलर हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि आपको यहाँ पे सारा चीज़ देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपने प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपने कुछ ही सेकंड्स का वेट करना है। आपके डिटेल में जो भी पेमेंट मेथड अवेलेबल होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मुझे यहाँ पे अपने अमेज़ॉन के ICICI क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करना है। तो सिंपली मैंने अपना जो भी कार्ड था पहले से ही ऐड था, उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना CVV जो भी था मेरा, यहाँ पे मैंने अपना CVV टाइप कर दिया। CVV टाइप कर लेने के बाद पे नाउ पे क्लिक कर दिया। जैसे ही पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे आपने कुछ ही सेकंड्स का वेट करना है। आप जैसे कुछ ही सेकंड्स का वेट करेंगे ये पेज को आपको रीडायरेक्ट करके लेके जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, जिस OTP को आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके साथ ही आप मोबाइल के सामने देखेंगे आपका रजिस्टर्ड जो भी मोबाइल नंबर होगा वो भी आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा होगा। इट मीन्स मतलब आपको पूरा नंबर नहीं देखने को मिल रहा, आपके लास्ट के 2 से 3 डिजिट आपको शो हो रहे हैं। OTP तो आ चुका है। OTP को आपने क्या करना है, यहाँ पे बहुत केयरफुली टाइप कर देना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं OTP है 649243। तो यहाँ पे आपने OTP को, चलिए यहाँ से आप कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। OTP को पेस्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इस पर आपने चेक करना है यहाँ पे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपने कुछ ही सेकंड्स का वेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अमेज़ॉन का, यहाँ पे आपके IRCTC का जो भी ID पासवर्ड है, ID तो ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे, आपको पासवर्ड टाइप करना होगा पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पैसे हैं आपके डेबिट हो चुके हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना IRCTC का पासवर्ड जो है वो टाइप कर देना। तो चलिए मैंने अपना IRCTC का पासवर्ड टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी आपको कैप्चा देखने को मिल रहा है, उसके बाद कैप्चा देख के आपने सिंपली इस कैप्चे को बहुत केयरफुली टाइप कीजिएगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना। आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपने कुछ ही सेकंड्स का वेट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बुकिंग इन प्रोग्रेस, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो टिकट है वो बुक हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो टिकट है वो सक्सेसफुली बुक हो चुका है, जो कि आपका कन्फर्म है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल देखने को मिल रही है कि मतलब आपकी डेट ऑफ जर्नी क्या है, आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, आपका सारा चीज़ क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं B7 में 34 नंबर सीट, इसके साथ ही आपका 33 नंबर सीट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा चीज़ आपको मेंशन है। तो कुछ इस तरीके से आप बहुत ही आसानी वे में आप अपने IRCTC का टिकट बुक करना चाहते हो, इट मीन्स आप रेलवे का टिकट आप अपने अमेज़ॉन पे से आप कैसे बुक कर सकते हो। आज के स्टूडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अपने दोस्त हमसाद अली को इजाज़त दीजिए, मिलते से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।